हो चुकी हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, नहीं हो सकता। माउंटेनिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता पैर। हर किसी ने यही बात बोला क्योंकि उनको सिर्फ मेरा पैर दिख रहा था, लेकिन मेरे अंदर में क्या आग जल रही थी वो तो पता ही नहीं था, वो तो पता ही नहीं था उनको, तो वो सिर्फ उतना देख रहे थे। तो मैंने, देखिए जब भी कभी लाइफ में कुछ अच्छा काम करने जाते, कुछ ऐसे आपके साथ, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके साथ चलते, कुछ ऐसे होते हैं जो खींच के अपने बराबर ला खड़ा करने की कोशिश करते हैं, ये आपको डिसाइड करना होता है। देखिए दो प्रकार, जैसे निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव वो जो बोल रहा है आपके ऊपर, आलोचनाएं भी बहुत तरीके की, जैसे मेरी आलोचनाएं भी बहुत तरीके की आपकी होंगी। अब आप उस उन आलोचनाओं को निगेटिव में लेते हो या पॉजिटिव में लेते हो या चैलेंज के रूप में लेते हो। मैंने अपनी हर निगेटिव, जिन जिन लोगों ने निगेटिव बातें मुझे बोली, मैंने हमेशा चैलेंज के रूप में लिया है। मैंने जब जब मुझे लोग बोलते थे कि रुणिमान तुम मान लो इस बात को कि तुम्हारा पैर नहीं है, कुछ कुछ लोगों ने यहां तक बोल दिया कि लंगड़ी हो गई, दिमाग भी पूरी तरीके से खराब हो चुका है, मैंने हर बार उनको एक चैलेंज के रूप में लिया। अपने मन में उनसे कभी नहीं बोलने गए, लेकिन अपने मन में डिसाइड कर लिया, ठीक है एक दिन ऐसा आएगा हम मजबूर कर देंगे आपको कि आप आके मुझसे बोलेंगे कि हाँ रुणिमा तुम्हें वो बात थी कि तूने कर दिखाया। तो ये सिर्फ आपके ऊपर होता कि वो अगर निगेटिव बोल, वो तो बोल ही रहा है निगेटिव, आपको किस रूप में लेना है, आप उसको कन्वर्ट करके चैलेंज में ले लो। मैंने चैलेंज में लिया हर किसी की, क्योंकि सबसे बड़े साथी तो मेरे वही थे। हाँ फिर इतना ही नहीं, अभी भी चैलेंज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं बहुत खुश थी, चारों तरफ वो ब्लू और ग्रीन आइस, बहुत पुराने पुराने दिखने में वो ब्लू दिखता, जितना सुंदर है उतना कठिन। हील मार मार के मैं नीचे आ रही थी, कुछ लोग ऐसे थे जो गिवअप कर चुके थे, मुंह से ऐसे उल्टियां आ रही थी, ब्लड की उल्टियां, ऐसे सिर्फ उसमें व्हाइट में रेड रेड पैच दिखते हैं। कुछ ऐसे थे कि ऐसे पानी का बॉटल हाथ में है, उसका ढक्कन उन्होंने खोल के रखा था, पानी भी नहीं पी पाया था, ये सब पूरा बर्फ जम चुका था उनका और वो मर चुके थे। मुझे लगा वो जिंदा है, मैंने ऐसे जाके हिलाया, वो लुढ़कते हुए नीचे गिर गए। इतना मुश्किल पल वो होता है, मैं भी खुश थी हील मार मार के जिससे नीचे। एकाएक मेरा प्रोस्थेटिक लेग, पूरा का पूरा प्रोस्थेटिक लेग ही निकल गया। एवरेस्ट पे -60 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है, मैं ये मुट्ठी नहीं बांध सकती थी। आज मुझे इतना फुल ऑक्सीजन मिल रहा है, मैं भी चिल्ला के बात कर रही हूँ आराम से, मुट्ठी नहीं बंध रही थी कि मैं अपने रोप को पकड़ पाऊँ। शेरपा मेरे आगे, जो मेरा गाइड था शेरपा आगे था, मैं उसको भी नहीं बता पा रही थी, इसलिए क्योंकि एवरेस्ट में क्या होता है कि लास्ट मोमेंट तक शेरपा लोग क्लाइंबर को बोलते हैं कि चलो चलो, अगर वो नहीं जाता है तो लास्ट में उसको वहीं छोड़ देता है और खुद चला जाता है भाग के। मैं इस डर की वजह से, ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ दे वो चला जाए तो मैं रास्ता भटक के मर जाऊंगी, मैं नहीं बता पा रही थी। मैं अगर पैर उठाऊं तो मेरा आर्टिफिशियल लेग एकदम गिर जाएगा नीचे, ना पैर उठाऊं तो चलूं कैसे। बड़े मुश्किल से मुझे ऊपर में भी जो मिला था, जो ऑक्सीजन भी जो मिला था मुझे, उसमें भी एक छोटा सा, आपने पूछा नहीं मैं बता दूंगी बाद में, बड़े मुश्किल से मैं, लक भाग किस्मत जो भी था, मुझे ऑक्सीजन मिला था। मैं, मेरे आंखों से ऐसे आंसू निकलना शुरू हो गया और ऐसे घर की लैंग्वेज में मैं चिल्ला चिल्ला के बोली कि क्या भगवान तो मेरा पैर काट लिए। फिर दिमाग में माउंटेन, आज एवरेस्ट समिट भी कर लिया तो आप क्या चाहते, जिंदा वापस ना जाऊं। दूसरे के पल आंसू को पोछा, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। आंसू को पोछा और चिल्ला के बोला कि आपके पास जितनी ताकत है आप लगा लो, मेरे पास जितनी ताकत है मैं भी लगाऊंगी, लेकिन जिंदा वापस जाऊंगी। हाथ जो मेरा ये जो मोड़ नहीं रहा था, इसको ऐसे करके मोड़ा है और रोप को पकड़ के दूसरे हाथ से प्रोस्थेटिक लेग पकड़ के पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू किया, क्योंकि यही रास्ता था। दूसरा ये था, जैसे और कुछ लोगों ने गिवअप किया था, मैं भी छोड़ देती। Now on hindsight, जब आप सोचते हैं कि एवरेस्ट के लिए क्या जरूरी था, was it physical endurance, training, fitness, or was it mental strength? सब कुछ दिमाग पे है, सारा कुछ मेंटल है। मेरे पास तो बहुत सारे बहाने थे, ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, आर्टिफिशियल निकल रहा था, शेरपा बार बार बोल रहा था, एजेंसी का लीडर, ग्रुप का लीडर, सभी लोग बोल रहे थे मुझे, लेकिन मुझे यहाँ से था कि नहीं, मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना ही है। कोई कुछ भी बोले, किसी की परवाह नहीं थी मुझे। यहाँ तक कि जब
ग्रुप के लीडर ने और एजेंसी के लीडर ने बेस कैंप से मेरे घर में फोन कर दिया कि अरुणिमा वापस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर उसका खत्म हो चुका है, वो मर जाएगी। मैम कुछ नहीं, बार को फोन कर दिया, सबको कर दिया था, लेकिन मुझे ये था करना था, यहां से करेगा कैसे काम नहीं मेरा पैर, उसको हम करवाएंगे जैसा चाहे बच्चे अपने शरीर को मोड़ सकते हैं यहां से अगर हम स्ट्रांग हैं। अगर शायद बेड पे हॉस्पिटल के बेड पे हमने ये सोच लिया होता कि अभी मैं तो विकलांग हो चुकी हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, तो शायद अपने घर के एक कमरे तक सीमित रहते, बैसाखी या नीचे पे मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन हमेशा दिमाग से सोचा और किया, उसको सब कुछ दिमाग पर डिपेंड है। मैं टॉप की बात थोड़ी सी बताऊं कि जब मैं एवरेस्ट टॉप से नीचे उतर रही थी, जिस बात का शेरपा और मुझे डर था, क्योंकि शेरपा मुझे बार बार बोल रहा कि तुम्हारा ऑक्सीजन कभी खत्म हो जाएगा, 10-15 कदम 20 कदम ही हम नीचे आ रहे थे, मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। मैं ऐसे बर्फ में गिर गए, मैं नीचे से गिर गया, बर्फ में ऐसे मुंह दबा दबा के मैं सांस लेने की कोशिश कर रही थी कि कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हो रहा था। मैं बार बार शेरपा को पकड़ पकड़ के, कि इतना बेचैनी मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती उस चीज को। उसी 10:55 पे मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था, 11 बजे के बाद अगर कोई अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है उसको सुसाइड अटैम्प्ट बोलते हैं, और वेदर अपने आप पीक दिखना बंद हो जाता है और वेदर अपने आप खराब, विंड इतनी तेज होती है कि अगर हम अपने आप को एंकर करके नहीं रखते हैं तो विंड ही हमें उठा के फेंक देगा। और उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे, उनके पास 2 ऑक्सीजन था, जनरली सबके पास 2 था, मेरे पास भी था 2, मैंने जाते वक्त ही ऊपर लगा दिया था। उन्हें एक को वहीं फेंका, दूसरे को लगाया और नीचे जाना शुरू किया क्योंकि वेदर खराब था। मेरे शेरपा जो था बहुत हेल्पफुल, जो हमारी 2 की टीम थी, जबरदस्त टीम थी हमारी दोनों, उसने जब देखा कि ऑक्सीजन, उसे फटाफट नीचे उतरा और ऑक्सीजन लेके आया और मुझे लगाया और खड़ा किया मुझे। मुझे बोल रहा कि अरुणिमा तू बहुत लकी है कि तुझे इस हाइट पे ऑक्सीजन मिला। मैं किसी की भावनाओं को नहीं ठेस, वो लगातार ऐसे बोले जा रहा था, मैं चुप थी क्योंकि वो गुस्से में था और मेरे पास इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि मैं बोल पाऊं कुछ। मैं किसी की भावनाओं को नहीं ठेस पहुंचाना चाहती, लेकिन न मैं लक, न भाग्य, न किस्मत, मैं इन तीनों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा होता है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है, अगर आप, तो परिस्थितियों को इतना मजबूर आप कर देते हैं कि परिस्थितियां आपके हक में आने पे मजबूर हो जाती हैं। और मेरा पैर कटा कोई ये अच्छी बात नहीं थी, लेकिन कहते नहीं कि उस पैर कटे को अपॉर्चुनिटी बना दी। मुझ जैसी बहुत सारी लड़कियों का पैर कटता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कटता है, कटता है, लेकिन एक सच्चा साहसी, सच्चा दिलेर इंसान वही है कि जो अपनी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना दे, अपनी प्रॉब्लम में ही अपना आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ ले। मैंने सिर्फ वही किया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ एक्स्ट्रा विल पावर नहीं। ऊपर वाला सबके अंदर कुछ ना कुछ देता है, फर्क सिर्फ इतना होता है पहचानता कौन है। जिस दिन अपने अंदर का, अपने अंदर की क्वालिटी हम पहचान गए कि हाँ हम में ये चीज है, और एक कदम आगे बढ़ाया, आप लोग आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहना शुरू कर देंगे। किसी पीक के लिए हम निकलते थे, सारे लोग जीतते थे, तो वो सारे लोग मुझसे आगे निकल जाते थे हर बार। मुझे मतलब मन में ये चीज आता था कि क्या है, मैं एवरेस्ट का प्लान करके रखी हूं और मैं इनसे पीछे चल रही हूं, क्या होगा। पता है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? आपको, आपने बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेट सबको सुना, स्पीकर्स को सुना होगा, और चाहे मैं आके यहाँ चाहे कुछ भी आपको बताऊं, अपने लाइफ स्टोरी जो है वो मैं, जो एक एक पल मैंने लाइव स्टोरी जो है वो आपको बताऊं, लेकिन सही मायने में सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन? आप खुद। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। उस लक्ष्य को पाने, उस गोल को पाने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहीं से मैं मतलब जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है वो सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। हर बार जब वो लोग आगे निकल जाते थे तो मेरे दिमाग में यही बात चलता था कि क्या है, मैं एवरेस्ट का प्लान कर रही हूँ, ये छोटे से पीक को अच्छे से मेरे से पहले सबमिट कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी।
लेकिन खुद बार बार मैं खुद को, खुद से प्रॉमिस करती, खुद को मोटिवेट करती थी, क्योंकि ऐसे जब सिचुएशन कभी कभी ऐसे होते कि आप अकेले होते, कोई और नहीं होता है आपके साथ, मैं खुद से बोलती थी कि कोई बात नहीं अरुणिमा, तू ऐसे हालात में आज नहीं है कि तू आज इनसे अच्छा चल पाए या फिर इनके बराबर चल पाए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तू इनसे पहले पहुंचेगी। और आपको यकीन नहीं होगा, आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा वेट उठा के, मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि पत्थर पर रस्सी रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, तब मुझे, सच बताऊं कि मुझे वो बचपन में तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आता था, लेकिन जब वो चीज़ें अपने आप खुद पे बीतने लगी, मुझे समझ में आने लगा, हाँ वाकई में होता है। पहले 5 किलो वेट, फिर 10 किलो, फिर 15, ऐसे से वेट बढ़ाते रहे, आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा 35 किलो का वेट उठा के, और टॉप पे पहले 1-1.5 घंटे पहले टॉप पे पहुँचते थे, और वो जब मैं ऐसे करके देखती थी कि ये लोग आ रहे, खुशी होती थी, मन को एक तसल्ली पहुंचती थी कि आज मैं टॉप पे पहले हूं। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी तब होती जब वो सारे आके मुझसे ये पता, मैडम खाते क्या हो, हद हो गई है, खाते क्या हो भाई, आप पैर भी नहीं है, हम लोग देख के अभी बेस कैंप में आप पैर पहन रहे थे, देखा पैर भी नहीं है, फिर भी आप इतना अच्छा चलते। मैं उनसे सिर्फ इतना बोलती, अपना जो गोल है उस गोल को रोज याद करते हैं और उसका रोज एक डोज लेते हैं, यही मैं हमेशा उनसे यही बात बोलती थी। सर, या तो हम एवरेस्ट पे झंडा लहरा के आएंगे या वहीं दफन हो जाएंगे। सर, ये जज्बा कि क्या आप अपनी जिंदगी लगाने के लिए तैयार थी, ये कहां से आया? दिस ऑल और नथिंग गैम्बल, ये कहां से आया? एक्चुअली बिना रिस्क के कुछ नहीं होता है। जब तक हम अपने लाइफ में किसी भी चीज के लिए रिस्क नहीं लेंगे तो इतने आसानी से कुछ नहीं मिलता। उसके लिए अगर नो पेन नो गेन, अगर अपने दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तो आप कुछ भी नहीं पा सकते। ये चीजें पूरी चीज समझ में मुझे आती है, ये सारी चीजें। तो अभी एक नए सूर्य से, एक बच्चे जैसे चलने से लेके एवरेस्ट तक की तैयारी मेरे लिए बहुत ही कठिन थी। तो और बाकी वो वीर बैतुकी पे जीना, वो मुझे गंवारा नहीं था। उससे अच्छा तो ये था कि हम मर जाएं, लोग मुझे दया की दृष्टि से देखें कि कोई मुझे लाके खाना दे, पानी दे, इस तरीके से, वो मुझे पसंद नहीं है। उससे अच्छा कि मर जाओ। तो ये डिसाइड कर लिया था कि या तो करो या मरो। सबसे पहले आप सभी, आई थिंक मुझे सब यूथ ही दिख रहे हैं, दोनों चीजें यूथ ही है सब। देखिए, आप नो डाउट आप अचीवर हैं, तब यहां हैं, आप एक अचीव किए हैं इसलिए आप यहां पे हैं। किसी कंपनी का जो सबसे बड़ा पिलर और सबसे स्ट्रांग पिलर होते हैं इसके एम्प्लॉई, और आप एक कंपनी का मजबूत पिलर है। मैं यही कहूंगी सिर्फ कि आज जो आपने गोल अचीव कर लिया है, सिर्फ वहीं पे मत बैठ जाइएगा, अपने जीवन में एक नए लक्ष्य तैयार करिए और उस गोल पर इतना फोकस करिए, इतना फोकस करिए कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए। बस और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। मैं एक 4 लाइन की पंक्ति सुनाऊंगी, वो मेरा फेवरेट है और इसीलिए मैं सुनाती हूँ। उठ जाऊं? अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पता है ये मैंने सुनाया क्यों? क्योंकि एवरेस्ट सबमिट करने के बाद जब मैं इंडिया वापस आई थी तो बहुत सारे यूथ मुझसे लगातार जुड़ रहे थे, ऐसे से बच्चे जो चल भी नहीं सकते थे लेकिन वो बोलते मुझे भी कुछ करना है। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे वर्ल्ड का जो 7 कॉन्टिनेंट है, 7 हाईएस्ट पीक को समिट करना है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, 3 तो मैं समिट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ जस्ट 12 अप्रैल को। आप सबका गुड विशेज चाहिए कि मैं समिट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।